सावेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों, बीते कुछ दिनों से देश की बेटियां खबरों में हैं। देश की बेटी मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, तो लखनऊ की प्रियदर्शिनी यादव ने उछल उछल कर थप्पड़ मारने में एक मुकदमा जीता है और फेक फेमिनिज्म का नाम रोशन कर दिया है। लेकिन देश में एक और ऐसी बेटी है जिसको रोशनी भी नसीब नहीं हो रही। दर्शकों, कानून की दीवारों ने उसको कैद कर रखा है और हम सभी ने अपने मुंह सी लिए हैं। मेरा मानना है कि देश सीमाओं से तो बनता ही है, लेकिन इससे भी बढ़कर देश छोटे छोटे कस्बों से बनता है और इन छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले लोग ही देश का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें कोई खुशी की बात नहीं कि खुशी दुबे जेल में है और एक जाति विशेष उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी लोग शांत हैं। शांति से कहते हैं कि शांत रहो, ऐसे तो पता नहीं कितने लोग बेवजह जेलों में बंद हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्यों ना यहीं से शुरुआत हो, क्यों ना कानपुर कांड में गेस्ट अपीयरेंस की सजा काट रही खुशी दुबे को रिहा कराया जाए और खुशी दुबे को एक ऐसे कैंपेन की पोस्टर गर्ल बना दिया जाए जिससे यह मैसेज जाए कि देश में कोई भी बिना किसी वजह के जेल में ना रह सके। इस बात को दर्शकों जज भी जज कर लेता है कि कौन दोषी है कौन नहीं, लेकिन गांधी जी वाले कागज की ताकत है कि तोते भी बोलने लगते हैं, सबूत सो जाते हैं और कानून काली पट्टी बांधकर सब ब्लैक ब्लैक देखता है। अपराधी की बीवी होना अगर सजा है तो हर उस व्यक्ति को सजा दीजिए जो उसका दोस्त था, उसके मां बाप भाई बहन सबको सजा दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी जीजा साले सबको सजा दीजिए। डियर योगी जी, उससे पहले कि यह मसला सियासत का मसला हो जाए, हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। विकास दुबे और उसके साथियों को जहन्नुम की हवा मिल चुकी है, लेकिन खुशी इसकी हकदार नहीं है, उसको रिहा कर देना चाहिए। बाकी जो लोग दुबे देखकर ब्राह्मण कांड खेलने की जुगत में हैं, उनको टाटा बाय बाय खत्म कर देना चाहिए, निपटा देना चाहिए। मसला इंसानियत का होना चाहिए, ठाकुर पंडित बनिया कश्यप वैश्य नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। दर्शकों, खुशी को भी खुश रहने का अधिकार है, इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, इसलिए कि वो एक इंसान है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। खुशी दुबे को क्या सिस्टम मार डालेगा? खुशी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? अमर दुबे से शादी करने की इतनी बड़ी सजा? खुशी दुबे को मारने की साजिश चल रही है? खुशी दुबे को बचाने की मांग उठने लगी है? आज अस्पताल में खून की उल्टियां कर रही खुशी दुबे उस दिन को कोस रही होगी जब उसकी मुलाकात अमर दुबे से हुई थी। खुशी और अमर दुबे जब एक दूसरे के करीब आए थे तब खुशी के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में अमर दुबे के मामा विकास दुबे ने उनसे बात कर शादी के लिए मनवा लिया था। इसके बाद खुशी की शादी 29 जून 2020 अमर दुबे के साथ धूमधाम से कर दी गई। इस शादी से खुशी के माँ बाप के अलावा अमर दुबे के रिश्तेदार भी शामिल हुए थे, लेकिन शादी के चंद रोज बाद 2 जुलाई को विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इस पूरी वारदात में अमर दुबे विकास दुबे के साथ था और घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोगों के साथ फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने अमर दुबे को हमीरपुर में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। साथ ही अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को साजिश में शामिल होने का दोषी बनाकर जेल भेज दिया था। 3 दिन पहले ब्याह कर गाँव आई खुशी दुबे को क्या पता था कि उसका जीवन बद से बदतर होने वाला है। गाँव के लोगों को आज भी खुशी दुबे के लिए हमदर्दी है और सभी का कहना है कि 2 रोज पहले आई लड़की क्या साजिश करेगी, 2 रोज पहले आई लड़की क्या जुर्म करेगी, 2 रोज पहले अपराधी की बीवी बन जाने की इतनी कड़ी सजा की। तो दर्शकों, ये रिपोर्ट आपने देखी, आपको बताते हुए बड़ी ही दुख की अनुभूति कर रहा हूं कि खुशी दुबे, जिसके नाम में खुशी लिखा हुआ हो, उसकी खुशियां महज 8 दिन के अंदर दुखों के पहाड़ों में तब्दील हुई। अपराधी किसी भी शक्ल का क्यों ना हो, अपराधी की अगर जात नहीं होती, अपराधी का अगर धर्म नहीं होता, तो ऐसे एक बीवी होना अपराध कैसे हो सकता है? आप इस बात को मान लीजिए, बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि रात में अचानक गोलियों की तड़बड़ाहट के बीच अगर कोई पत्नी कोशिश करती है कि उसका पति बच सके, तो यह गलत कैसे है? अपराध अपनी जगह गलत है, इसका किसी भी तरह से
किसी भी तर्क के साथ समर्थन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल कि खुशी दुबे को इसकी सजा क्यों मिल रही है? खुशी दुबे की आखिर गलती क्या है? दर्शकों, थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ सोचेंगे तो जरा सा इल्म होगा इस बात का कि खुशी दुबे की खुशियां 8 दिन के अंदर कैसे दुखों के शहर में तब्दील हुई। खुशी के हाथ में जो मेहंदी लगी थी उसका रंग महज 8 दिन के अंदर खत्म। आपको पता है जून के आखिरी हफ्ते में शादी, 2 जुलाई की वो दरमियानी रात जब होता है बड़ा कांड, और 7 जुलाई उसके पति का एनकाउंटर, और उससे भी पहले खुशी दुबे की गिरफ्तारी। एक नाबालिग युवती के साथ ये सब कुछ हो रहा है। विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी आज जहन्नुम की हवा खा रहा है, जो कि हर लिहाज, हर लहजे, हर शहर, हर कानून, हर तरफ, हर लिखावट में सही है। लेकिन मेहंदी रचाकर, शादी करकर अपने पति के साथ रहने आई एक युवती महज इसलिए अपराधी है क्योंकि उस रात उसको पता था कि उसका पति गोली चला रहा है। इस लिहाज से अगर वो अपराधी है तो मैं इसका पूरी आवाज के साथ इसका विरोध करता हूं। आई सीरियसली कंडेम। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि सरकारें, हुकूमतें जब इस बात को जोर देती हैं कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए, इस बात पर जोर देती हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, और इस बात पर जोर देती हैं कि लड़कियों को हम कैसे एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, तो कैसे उसी देश की सीमाओं के अंदर एक युवती को जेल में रखा जा रहा है? जो अपराधी थे उनको गोली मार दी गई। हमारे यहां गांवों में पुरानी कहावत है कि कुत्ता पागल हो जाए तो उसको गोली मारी जाती है। लेकिन क्या उस कुत्ते के साथ जो और अन्य लोग रह रहे थे उनको भी गोली मार देंगे, उनको भी सजा देंगे? और अगर यह सजा है तो मैं कहता हूं इस मंच से, अपने प्रोग्राम, अपने शो के दरमियान से यह कहता हूं कि अगर यह कानून की नजर में अगर यह गुनाह है तो विकास दुबे के अड़ोसी पड़ोसी मौसा सबको काला पानी की सजा दीजिए। और एक ग्रेट मैसेज दीजिए कि देखिए अपराधियों के रिश्तेदार भी अपराधी हैं कानून की नजर में। हमें नहीं दिखता ऐसा किस किताब में लिखा है, लेकिन फिर भी अगर आपके मुंह से निकली वाणी ही कानून है तो फिर इसका खुलेआम प्रदर्शन कीजिए। दर्शकों, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं। इस क्लिप में आप एक कुछ मत समझिए, इस क्लिप में बस आप एक चीज देखिए, महसूस करिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत देखिए, कुछ मत करिए, एक चीज महसूस करिए। एक युवती है, उसकी शादी है और वो अपनी शादी की खुशियों में झूम रही है, नाच रही है, डांस कर रही है। जब आप देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि क्या वो युवती जो नाच रही है, जो डांस कर रही है, वो ये सोच रही होगी कि मेरी एक अपराधी के साथ शादी हो गई और अब मैं काला धन इकट्ठा करूंगी, अब मैं बहुत बड़े अपराधों में शामिल होंगी, जबकि ऐसा उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे में सवाल क्यों ना किया जाए कि उसको क्यों जेल में डाला? आप इस क्लिप को देखिए और सोचिए कि इसके चंद दिनों बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके चंद दिनों बाद ही उसके पति का एनकाउंटर हो गया, वो आज जेल में है, खून की उल्टियां कर रही है। उसकी दादी कह रही है कि वो जब उनसे मिलने अस्पताल गई तो उसको खून की उल्टियां हो रही हैं। जब उसको खून की उल्टियां हो रही हैं तो सियासत पलटियां कर रही है। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए।
इस क्लिप के माध्यम से मैं बस एक बात क्लियर करना चाहता था दर्शकों की, ये क्लिप वायरल है, ये क्लिप आज से नहीं पिछले साल से वायरल है, लोग इस पे हंसी मजाक कर रहे हैं। ये जहां जहां जिस जिस तस्वीरों में जिस जिस इलाकों में ये तस्वीरें चल रही हैं वहां वहां लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो अपराधी के साथ शादी कर रही थी कैसे हंस नाच रही थी लेकिन आज जेल में सड़ रही है। ये हंसी का मसला नहीं है, ये शोक का मसला है, ये इंसानियत का मसला है। अगर आप गैर इंसान हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इंसानी समाज में रहते हैं, इंसानियत के नाम पर अगर आप यहां पर जीवन यापन कर रहे हैं, अगर आप समाज का हिस्सा हैं, तो ये असामाजिक बातें हैं। खुशी दुबे को इस नजर से अगर आप देखना शुरू कर देंगे कि उसके नाम के आगे दुबे लगा है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोगों ने उसका ठेका लिया है, उसको पूरा प्रदेश का ब्राह्मण एक साथ होकर उसको रिहा कराएगा, तो ये नॉनसेंस है। क्योंकि खुशी दुबे ब्राह्मण होने से पहले एक इंसान है, एक युवती है, एक महिला है, उसके इमोशंस है, नेचर है, वो एक इंसान है, क्यों नहीं समझ रहा कोई? उसको रिहा किया जाना इंसानियत के नाते किया जाए, इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, इसलिए नहीं कि योगी राज में शायद ठाकुरों को बल मिलता है, इसलिए नहीं कि योगी जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि वो एक इंसान है, उसको रिहा किया जाना चाहिए। अमर दुबे की दादी क्या कुछ कहती हैं इस मसले को लेकर, अमर दुबे की दादी क्या कुछ कहना चाहती हैं, वो भी अपनी बाइट दे रही हैं, उनकी बाइट को सुन लो। किसको छोड़ दिया, मेरे को बंद किए, मेरे को छोड़ा जाए, उसी को जेल से निकाला जाए, आज ऐसे निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए। अगर विकास दुबे की पत्नी को छोड़ दिया गया है तो मेरे को भी छोड़ा जाए, पत्नी को छोड़ दिया, मेरे को बंद किए, मेरे को छोड़ा जाए, उसी को जेल से निकाला जाए, आज ऐसे निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए। अगर विकास दुबे की पत्नी को छोड़ दिया गया है तो मेरे को भी छोड़ा जाए, पत्नी को छोड़ दिया, मेरे को बंद किए, मेरे को छोड़ा जाए, उसी को जेल से निकाला जाए, आज ऐसे निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए। अगर विकास दुबे की पत्नी को छोड़ दिया गया है तो मेरे को भी छोड़ा जाए। तो फिलहाल सच झूठ की दीवारों से परे हटकर आज का ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के लिहाज के बाद मुझे पता है कि कई तरह के कमेंट भी आ सकते हैं जिनमें दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष ये कह सकता है कि अपराधी को उसकी सजा मिल गई और अपराधी का साथ देने वाले को उसकी सजा मिल रही है। एक पक्ष ये कह सकता है कि नहीं, उसको रिहा किया जाना चाहिए। मैं इन चीजों में नहीं पड़ता। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कैसे पत्रकार हो, खबर देना तुम्हारा काम है, ओपिनियन के साए में क्यों जिंदा हो। तो मैं एक बात बता दूं, एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि कावेंद्र चौहान एक वो पत्रकार है जो कि कभी भी और कदापि नहीं अगर सच और झूठ के बीच खड़ा है, अगर मेरे कहने से, अगर मेरी बातों से, अगर समाज में रत्ती भर भी, इंच भर भी, सेंटीमीटर भर भी बदलाव आता है तो मैं झूठ की दीवारों के पीछे कभी खड़ा नहीं रहूंगा। मैं ओपिनियन दूंगा एंड आई ओपाइन एंड आई नॉट शाय बिहाइंड द वॉल्स ऑफ न्यूट्रलिटी इफ माय ओपिनियंस ब्रिंग अ चेंज अबाउट इन सोसाइटी एंड दैट्स माय व्यू पॉइंट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डोंट वॉच माय शो। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो।